और सर ये अभी फ्लेवर रेडी हो चुका है? बस ये रेडी हो चुका है, अभी इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा। जरा भी शुगर अंदर रहना नहीं चाहिए। अच्छा, और सर ये मशीन वन प्लस थ्री का है? ये वन प्लस थ्री का बॉटलिंग प्लांट है। और ये सर सेंसर वाला है? ये सेंसर वाला मॉडल है। अच्छा, और सर ये क्या है यहाँ पर आपको? ये हमारा टाइमर बेस पे ऑपरेटिंग होता है। ये देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया है बॉटल, यहाँ से पुश बटन करूंगा, यहाँ पे सोडा आएगी। और इसको हमको सेंसर से करना है तो होगा? इसको भी सेंसर से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बॉटल लगा दिया, यहाँ पर खाली सेंस करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रॉन्गनेस, आप व्यूअर्स देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्गनेस है। और सर इसके अंदर ये 200 ml की बोतल है तो एक ही 200 ml की फील हो सकती है? इसमें आप जितनी चाहो बोतल भर सकते हैं, 500 ml, 750 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, जितनी बड़ी आपको करनी है बोतल फील कर सकते हो। इसको नीचे कर देना है, ये ट्रे को आप यहाँ से खोल कर नीचे कर सकते हो। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो व्यूअर्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा वन प्लस थ्री का जो बॉटलिंग प्लांट होता है वो अभी आनंद में फिटिंग होने के लिए आ रहा है। तो आ चुका है अभी बॉटलिंग प्लांट, अभी अंदर सर ने डिलीवरी ले ली है। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से जो फिटिंग होता है, किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ आती है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसे तो हमारी कंपनी व्यूअर्स अलग अलग प्रकार की मशीनरी बनाती है, जैसे कि बॉटलिंग प्लांट है, सोडा मशीन है, नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन है, सॉफ्टी मशीन है, नॉन इलेक्ट्रिक शुगर केन मशीन है, अलग अलग प्रकार की मशीनरी बनाती है। बट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे फिटिंग होता है। वन प्लस थ्री का अभी मशीनरी आ चुका है, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मोटर, कैपिंग मोटर होती है वो फिटिंग हो रही है, वो आप देख सकते हो अभी अच्छी तरह से। ये आपको फिटिंग हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अभी घर के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से मैंने सभी चीज़ें हमने ओपन कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ें ओपन कर दी है। सर ने यहाँ पर आरओ प्लांट लगाया हुआ है, आरओ प्लांट लग चुका है। अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो दिखाता हूँ। इंस्टॉलेशन अभी हो रहा है यहाँ पर बाहर वन प्लस थ्री का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो अलग अलग फ्लेवर होती है, जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज होती है, मैंगो होती है, मसाला होती है, कोई भी जीरा है, कोई भी रेड स्ट्रिंग है, उसके ऊपर जो लेबल लगता है, खुद की कंपनी होती है, खुद की ब्रांड आती है, उसके नीचे उसका फ्लेवर लगता है। जो स्टिकर होता है वो यहाँ से आपको डालने का होता है, इधर सील होके निकलता है। और प्लस यहाँ पर इसकी सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो पावर का सिस्टम मिलेगा, हीटिंग का मिलेगा, ब्लो का, टेम्परेचर कंट्रोल है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग आपको कंट्रोलर मिलेगा, एक इंडिकेटर आपको मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर आप दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनरी, ये मशीन के अंदर आप अलग अलग 12 का होता है, 24 का होता है, ऐसे बंच बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं मशीन के बारे में बताऊँ तो आपको टेम्परेचर सिस्टम मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको स्पीड मिलेगा, कितनी स्पीड में आपको ये आपको रोलर होता है वो घुमाना होता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको रोलर मिलेगा। और इसके अंदर आपको 24 का बंच करके डाल देना है तो उस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी तरफ आपको रेडी 24 का बंच होके निकलने वाला है। उसका यहाँ पर आपको दो फैन मिलेगी, बहुत ही सिंपल मशीन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मशीन आ चुका है और इसका इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो जो इंस्टॉल करने आए थे भैया उससे पूछते हैं, सर यहाँ पर आपने कौन कौन सी चीजें इसके साथ आई थी? पहले तो सर इसमें मशीन आया था, मशीन के साथ में वॉशर आया हुआ है। अच्छा, तो व्यूअर्स ये पर इसको वॉशर बोलते हैं, इसकी मदद से आप बोतल होते हैं वॉश कर सकते हो। इसके साथ क्या आता है सर? और ये मशीन और वॉशर के साथ में 37 आइटम फ्री दिया हुआ है कंपनी ने। जैसे कि फ्लेवर है, फ्लेवर इसके है। साथ में टूल किट है, टूल किट है। अच्छा। सर इसको क्या बोलते हैं, ये भी इसके साथ ये ML है, ML चेक करने के लिए, ML चेक करने के लिए आता है। यहाँ पर आप व्यूअर्स देख सकते हो टूल किट इसके साथ आता है, यहाँ पर हॉट गन देख सकते हो ये आता है, फिर आपको अलग से ये मोटर आती है इसके साथ, यहाँ पर हमारा टेक्नीशियन आता है वो मोटर को फिट करता है, इसको फिट करता है, नीचे का ये फिट करता है। तो व्यूअर्स मैं आपको मशीन के बारे में बताऊं तो नीचे हम हमारे टेक्नीशियन भाई से पूछते हैं, सर ये क्या है? ये हमारा कंडेंसर है। अच्छा। जो कूलिंग सिस्टम को लिए ऑपरेट करने के लिए कंडेंसर है। अच्छा। और ये कंप्रेसर है, ये ब्लैक वाला, ये कंप्रेसर है, और ये पंप मोटर है। अच्छा, ये जो टैंक में से पानी खींचता है ना, ये पंप मोटर है। अच्छा, और सर ये मशीन वन प्लस थ्री का है? ये वन प्लस थ्री का बॉटलिंग प्लांट है। और ये सर सेंसर वाला है? ये सेंसर वाला मॉडल है। अच्छा, और सर ये क्या है यहाँ पर आपको? ये हमारा टाइमर बेस पे ऑपरेटिंग होता है। अच्छा, और इसके अंदर सर मेरे को पता है तब तो अगर 70% हमको प्लेन सोडा डालनी है, 30% सिरप डालना है। यस। और सर इसके साथ इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं, कैसे स्टार्ट करना होता है मशीन? पहले तो सर हम लोग क्या करेंगे, ये मशीन को पहले हम लोग जो पैकिंग में आता है उसको हम लोग पैकिंग से खोलेंगे, खोलने के बाद इसकी जो टैंक है उसको टैंक को हम लोग क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद उस टैंक में हम लोग पानी फिल करेंगे, पानी फिल करने के बाद हम लोग CO2 सिलेंडर का कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करने के बाद हम मशीन को चालू करके टेम्परेचर में छोड़ेंगे,
14.7 टेम्परेचर अभी इसका ये आ रहा है टेम्परेचर, और ये दिखा रहा है ये वोल्टेज दिखा रहा है, और ये जो है वो एम्पियर दिखा रहा है, जो मशीन पूरा एम्पियर पे चल रहा है, 8 एम्पियर पे ये मशीन अभी हमारा वर्क कर रहा है। और ये कैपिंग मोटर है, कैपिंग मोटर यहाँ से स्टार्ट होती है आप देखोगे, और यहाँ से हम बंद कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर, अभी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये अभी हम लोग CO2 सिलेंडर में है ना रेगुलेटर चढ़ा रहे। अच्छा, और सर ये यहाँ पर इस तरह से चढ़ाना है, और इसमें प्रेशर कितना रखना है सर? ये प्रेशर अभी जो CO2 सिलेंडर का प्रेशर है वो इस मीटर में दिखाएगा। अच्छा, और हम लोग जो मशीन को प्रेशर देगा वो 100 PSI का प्रेशर देगा। 100 PSI का प्रेशर देना है। ओके सर। तो व्यूअर्स, इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ये टैंक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसके वाटर टैंक है, वो आप देख सकते हो अच्छी तरह से फिल हो चुका है, हमने हमारे टेक्नीशियन ने फिल कर दिया है अच्छी तरह से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी आप पाइप देख सकते हो, ये सोडा मशीन की जो फिलिंग की जो सिरफ टैंक होती है वो है, इसकी मदद से जो आगे आपको मैं आपको लाए अभी फ्लेवर बना के दिखाता हूँ, फिर इसको इसके अंदर डालने वाला हूँ, पहले मैं आपको फ्लेवर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने वाटर लिया है सर, कितना वाटर लिया है हमने? इसमें हमने 7 लीटर पानी डाला हुआ है। अच्छा, फिर क्या करना है? ये भी हम लोग जीरा फ्लेवर बनाएंगे। अच्छा, जीरा फ्लेवर बनाने वाले हैं। 7 लीटर पानी लिया हुआ है। अच्छा, और अभी 4.5 किलो हम लोग शुगर डालेंगे। अच्छा, ठीक है। ओके सर, यहाँ पर आप ये 4.5 kg शुगर डाल रहे हैं सर, और अच्छे से मिक्स करना है। फिर अभी शुगर को पानी में हमारे को पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है व्यूअर्स, आप देख सकते हो, और अभी हम जीरा का फ्लेवर बना रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरह से शुगर को हमने ऐड कर दिया है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जीरा का अभी यहाँ पर फ्लेवर बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फ्लेवर डाल रहे हैं हम, अच्छी तरह से फ्लेवर डाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दो इसके साथ फ्लेवर हम देते हैं, वो अभी डाल रहे हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और सर ये अभी फ्लेवर रेडी हो चुका है, बस ये रेडी हो चुका है, अभी इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा। जरा भी शुगर अंदर रहना नहीं चाहिए। इसको अभी हम मिक्स करने के बाद इसको हम लोग गन्नी से छानेंगे, छान के हम लोग भरेंगे। ओके, तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हो अभी फ्लेवर रेडी हो चुकी हो, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो छान के अभी अंदर हम यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से फील हो रहा है, यहाँ ये छान के हम भर रहे हैं वो आप देख सकते हो व्यूअर्स, ये जीरा का फ्लेवर है। और सर ये अभी फ्लेवर रेडी हो चुका है, ये फ्लेवर पूरी तरह से रेडी हो चुका हुआ है, अभी हम लोग इसके बाद इसको सीधा मशीन में फिलिंग करेंगे। अच्छा सर, तो यहाँ पर आप व्यूअर्स देख सकते हो अच्छी तरह से ये जो फ्लेवर होता है वो रेडी हो चुका है, अभी इस फ्लेवर को मशीन के अंदर आपको कैसे फिट करना है वो मैं दिखाता हूँ। ओके सर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर आप क्या कर रहे हो? ये हमारी फ्लेवर की पाइप है। अच्छा, ये हम लोग जो स्टील की पाइप देते हैं वो, हाँ, ये इसको जो केरबा आता है उसके अंदर डालने का। तो ये सर ये आप हमारे यहाँ से प्रोवाइड होती है ना सर? ये कंपनी वाले ही प्रोवाइड करके देते हैं। अच्छा सर, ये पूरी चीज कंपनी प्रोवाइड करके देती है, ये पाइप को भी हम ये पाइप में डालेंगे। अच्छा, इस तरह से हमको फिट करना है, इसको पूरी तरह से अंदर फिटिंग कर लेना है आपको। अच्छा बराबर। अच्छा, जैसे कि हमारा केरबा है, केरबे के अंदर इस पाइप को हमें अंदर डाल देना है, उसके ऊपर ढक्कन हमें लगा देना है। अच्छा, कि कोई भी डस्ट है या कोई भी चीज है वो अंदर हमारे जाए नहीं, ठीक है? अच्छा सर, अभी इसके बाद हम लोग ये अभी मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ कि ये पाइप को भी हम लोग इसमें डालेंगे। अच्छा, आपको डालना है केरबे के अंदर वो इसमें डालना है, ये भी हम लोग ने इसमें डाल दिया, ठीक है? यहाँ पर तो व्यूअर्स आप देख सकते हो अच्छी तरह से फ्लेवर रेडी हो चुका है। और सर इसमें से जो प्लेन सोडा होती है वो कहाँ से आती है? ये प्लेन सोडा है जो ये CMB वाल बोलते हैं, जो ब्लैक वाल वाले। अच्छा, इसमें से प्लेन सोडा निकलेगी, और फ्लेवर है ना ये तीनों में से फ्लेवर निकलेगी। तो जो पीछे टैंक होता है उसमें से प्लेन सोडा निकलती है, जो हम लोग ने टैंक में जो सादा पानी भरा था ना। अच्छा, उसमें से ये हमारी सादी सोडा निकलेगी, और ये जो फ्लेवर बना के हमने लगाया। अच्छा, वो ये तीन में से फ्लेवर निकलेगी। और सर एक साथ कितने हम फ्लेवर बना सकते हैं इस मशीन से? इसमें आपको जितने भी बनाना है वो बना सकते हैं। अच्छा, और सर एक साथ कितने फ्लेवर बना सकते हैं? एक साथ में हम लोग अभी 3 फ्लेवर बना के लगा सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स अभी मैं आपको लाइव प्रोडक्शन करके दिखाता हूँ किस प्रकार से हमने फ्लेवर बनाई है, किस प्रकार से CO2 सिलेंडर अटैच किया वो भी मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से जो प्लेन सोडा आती है वो सब कुछ A to Z अभी मैं आपको लाइव प्रोडक्शन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सर ने हमारे पास से फुल किट ले रही परचेस की हुई है। यहाँ पर आप ये मशीन आप देख सकते हो, डेट कोडिंग मशीन है, इसको भी हमने असेंबल कर दिया है, यहाँ पर अच्छी तरह से फिट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको लाइव, यहाँ पर आप देख सकते हो मोटर हमने रेडी कर दी है, इसके अंदर मैं आपको लाइव डेट लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से डेट लग के, वहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से डेट लग चुकी है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं डेट लग चुकी है अच्छी तरह से। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हो अच्छी तरह से, कैमरे में शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरह से डेट लग चुकी है। तो व्यूअर्स मशीन अभी रेडी हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरह से। तो हम सर से पूछने वाले हैं, सर अभी हमें फील करके दिखाइए। और यहाँ पर हमारा वॉशर भी रेडी हो चुका है सर। ये वॉशर रेडी हो चुका हुआ है, इस वॉशर के अंदर हम लोग अभी बोतल वॉश करेंगे। अच्छा। बोतल वॉश करने के लिए यहाँ पे ये दो निप्पल दी हुए। अच्छा। इस निप्पल को हमें पुश करना है। अच्छा। यहाँ पे प्रेशर आएगा, प्रेशर अच्छा। आने के बाद इस बोतल को हमें इसी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमें इसमें डाल देना। और सर ये वर्क कैसे करता है, ये किसके ऊपर है बेस? देखो ये वर्क इस पे करेगा, यहाँ पे हमने बकेट रखा हुआ है, बकेट के अंदर ये पंप है। अच्छा। पंप के अंदर हमने पानी डाला है, पानी हमें यहाँ से दबाओगे तो ये पानी यहाँ पर आएगा, ठीक है? अच्छा। जब भी पानी खराब हो जाएगा उस पानी को हमें चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद बोतल वॉश हो जाएगा। अच्छा। और सर हमारे व्यूअर्स को अभी यहाँ पर आप एक बोतल निकाल के दिखाइए, और अभी और यहाँ पर ये सब क्या है वो बताइए। ये हमारा ये जो हमारा 1+3 का बोटलिंग प्लान है, और ये सब है हमारे मीटर है। अच्छा। जो ये सिरप का मीटर है, ये मीटर से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा। ये सोडा का मीटर है, यहाँ से हम सोडा को सेट कर सकते हैं। अच्छा। ये फ्लेवर का मीटर है, यहाँ से हम फ्लेवर को सेट करेंगे। अच्छा। फ्लेवर को यहाँ से ये जो मीटर है सेट का बटन हमें दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है। ये प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे जो ब्लिंकिंग करेगा यहाँ से अप होगा, यहाँ एरो दिया हुआ। अच्छा, है सर, अप डाउन करके दिखाइए। यहाँ से देखो ये अप हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ से हमें बाजू वाले को करना है। अच्छा। तो यहाँ से हम बाजू में जाएंगे, ये हम बाजू में गए, यहाँ से वापस अप करना है। अच्छा, ठीक है। यहाँ से हम अप डाउन करेंगे, और यहाँ वापस यहाँ से सेट का बटन दबाओगे तो ये सेट हो जाएगा, मतलब ये सेव हो चुका है। जैसे हमने इसको भी सेट किया 4.6। अच्छा, तो ये 4.6 फ्लेवर गिर के बंद हो जाएगा। अच्छा। और सर इसमें से हम कौन कौन से प्रकार से निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर बटन भी है, यहाँ पर कुछ सेंसर भी है, तो वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये मॉडल ऐसा है, यहाँ पर जो मैनुअल भी ऑपरेट हो सकता है। अच्छा। और ये सेंसर से भी ऑपरेट, दोनों से ऑपरेट हो सकता है। दोनों से ऑपरेट होगा, जैसे कि हमें सेंसर से ऑपरेट करना, तो यहाँ पर मैंने बोतल लगा दिया, सेंसर से ऑपरेट हो चुका। अच्छा, ऑटोमेटिक सेंसर से ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट हो चुका हुआ है। अच्छा, और अभी बटन से करके दिखाइए सर। अभी हम इसको बटन से ऑपरेट करेंगे। अच्छा। जैसे कि अभी यहाँ मैंने रख दिया हुआ। अच्छा। यहाँ से पुश बटन दबाया। अच्छा, तो बटन से भी होगा, सेंसर से भी होगा। और सर ये दोनों क्या चीज है वो बताइए। ये हमारा वोल्टेज मीटर दिखाता है। अच्छा। यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, अभी आप देख रहे होंगे 238। अच्छा। ये हमारा वोल्टेज है। अच्छा। और ये एम्पियर है, अभी क्योंकि ये मशीन पूरा स्टैंड बाय में, अभी अच्छा। इसमें कुछ रनिंग, क्योंकि ये मशीन अभी हमारा कटआउट में पड़ा हुआ। अच्छा। इसलिए यहाँ पर एम्पियर कुछ भी नहीं दिखाएगा। अच्छा। जैसे ये मशीन रनिंग हो जाएगा तो यहाँ पर एम्पियर दिखाएगा, ठीक है? अच्छा। और ये हमारा है टेम्परेचर कंट्रोल है, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाएगा। जैसे कि अभी हमने सेट किया 0 डिग्री। अच्छा। तो ये 0 डिग्री पे आके ये मशीन हमारा कटआउट हो जाएगा। अच्छा। जैसे जैसे टेम्परेचर वो उसके साथ में वर्क करेगा। और सर ये हमें मशीन रन करना है तो कोई हाईफाई बिजली चाहिए क्या, जो घर की बिजली होती है उससे रन होगा? इसके वास्ते सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। अच्छा। 230 वोल्टेज पे ये मशीन हमारा वर्क करेगा। अच्छा सर, और तो हमें एक लाइव प्रोडक्शन करके सर दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। तो यहाँ पर सर ये कितने ml यहाँ पर हमने सेट कर दिया है? ये अभी हमारी 200 ml की बोतल है। अच्छा। इसमें हमने 160 ml सोडा डाली हुई। अच्छा। है, और 40 ml हम इसमें सिरप ऐड कर रहे हैं। अच्छा। ये हमारी 200 ml की बोतल फिल्ड हो चुकी। अच्छा, ये थोड़ा हमने ज्यादा पहले सेट कर दिया था इसलिए, और इसको कैपिंग करके सर दिखाइए। अभी हम वापस से इसको करके एक बार दिखाएंगे। अच्छा, ठीक है सर, अभी मैनुअल करके दिखाना, सेंसर से नहीं। ओके। अभी इसको हमने 1.6 पे सेटिंग किया है। अच्छा। जैसे कि 40 ml सिरप गिरेगा और 160 ml सोडा गिरेगा। अच्छा सर, एक फिर एक बार करके दिखाइए, और अभी मैनुअल सर करके दिखाना हमारे व्यूअर्स को। ये देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया है बोतल, यहाँ से पुश बटन करूंगा, यहाँ पे सोडा आएगी। अच्छा। और इसको हमको सेंसर से करना है तो होगा? इसको भी सेंसर से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बोतल लगा दिया, यहाँ पर खाली सेंस करना है। अच्छा, ये हमारी बोतल। और अभी सर कैपिंग करके दिखाइए। ये ढक्कन है, इस ढक्कन को हमें यहाँ पे लगा देना है, ठीक है? अच्छा, इस प्रकार से लगा देना इसको है। इसको यहाँ पे चालू कर दिया हमने, ये बोतल को यहाँ पर लगा देना। ये देख रहे होगे आप। अच्छा, ये हमारी बोतल कैपिंग हो चुकी हुई है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रॉन्गनेस, आप व्यूअर्स देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्गनेस है। और सर इसके अंदर ये 200 ml की बोतल है, तो एक ही 200 ml की फील हो सकती है? इसमें आप जितनी चाहो बोतल भर सकते हो, 500 ml, 750 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, जितनी बड़ी आपको करनी है बोतल फिल कर सकते हो। इसको नीचे कर देना है, ये ट्रे को आप यहाँ से
खोल कर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप यहाँ पर अच्छे कट दिए गए और इसके साथ हमारे टूल किट मिलती है सर, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? इसके साथ में आपको 37 आइटम दी जाती है, जैसे कि सेंसर है, पीसीबी है, फ्लेवर है, रेगुलेटर का वाशर है, नट बोल है, पूरी की किट आपको साथ में दी जाती है। अच्छा। कि कभी आपका मशीन में कोई प्रॉब्लम आए तो आपका काम रुके नहीं। अच्छा, तो व्यूअर्स हमारा इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।